ओम नमः। वर्तमान में पैसा जुड़े ना जुड़े, परिवार को हर कोई जुड़ना चाहता है। कोई साथ दे ना दे, परिवार के साथ हर कोई रहना चाहता है। जीवन में पारिवारिक एकता ही परिवार की ताकत है। पारिवारिक एकता ही हमारे परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है। आज हमारे परिवार में और पहले के समय के परिवार में जमीन और आसमान का अंतर है। पहले के समय मकान छोटा था, मन बहुत बड़ा था। आज के समय मकान बहुत बड़े बड़े हैं, मन बहुत छोटे हैं। पहले के समय एक ही हॉल में पूरा परिवार रहता था, आज के समय अलग अलग कमरों में स्वतंत्रता के साथ हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। मैं चाहता हूँ यह दीपावली का महापर्व आपकी पारिवारिक एकता का संदेश दे, आपके परिवार को जोड़ने का काम करे। इसलिए दो काम आप अवश्य करें। सबसे पहले दीपावली के जो 3 दिन हैं, धनतेरस, चतुर्दशी और अमावस्या, इस समय आप अपने परिवार के साथ जुड़िए, परिवार के साथ बैठिए और सामूहिक भोजन कीजिए। सामूहिक भोजन करते समय आप अपने मन में जो मंत्र का पाठ करते हैं उस मंत्र का पाठ करें और प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे अन्नपूर्णा, बस सबका मन हमारे जैसा हो, पारिवारिक एकता के जैसा हो। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी ही बोलोगे वाणी। आज हम पारिवारिक एकता के साथ भोजन करते हैं तो पूरे परिवार का मन अपने आप एक हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ रोज़ रोज़ नहीं कर पाते हो तो कम से कम जो छुट्टी का दिन है शनिवार और रविवार को आप मिलकर के एक साथ भोजन करें। इसके बाद संध्या काल की बेला में पूरा परिवार अपने अपने हाथों में दीपक लेकर के प्रभु की आरती करें। जो आपने अपने घर में छोटा सा पूजन का स्थान बनाया है वहाँ पर आप कपूर की आरती घुमाइए। एक साथ जब आरती घुमाते हैं तो पूरे परिवार का आर्त ध्यान मिटता है, संकृत प्रणाम मिटते हैं और हमारे परिवार में सुख शांति अमन चैन रहता है। नकारात्मक ऊर्जा का गमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इस तरीके से आप पूरे परिवार को एक कर सकते हो। ये छोटे छोटे सूत्र आप अपने जीवन में अपनाइए और पूरे परिवार को एक बनाइए। यही आपके लिए सबसे बढ़िया संदेश और आशीर्वाद है।